गांधी मैदान थाना के एग्जीबिशन रोड स्थित होटल के कमरा में मौजूद सीआरपीएफ के जवान का प्राइवेट पार्ट उसकी प्रेमिका ने चाकू से काट दिया। दो दिन पहले ही दोनों ने कोर्ट में शादी की थी। जवान का 60% प्राइवेट पार्ट कट गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पोस्टेड जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। उसका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। घटना बुधवार की है। प्रेमिका पटना में ही रहकर पढ़ाई करती है। वह दरभंगा की रहने वाली है। जवान मूल रूप से सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। दोनों आपस में करीबी रिश्तेदार भी हैं। गांधी मैदान थाना की पुलिस ने 29 साल के जवान को पीएमसीएच जाकर फर्द बयान लिया। गांधी मैदान थाना के अपर थानेदार सुनील कुमार राजवंशी ने बताया कि पुलिस ने जवान की प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद जवान ने बहनोई व अन्य रिश्तेदार पीएमसीएच पहुँच गए। सीआरपीएफ के जवान ने फर्द बयान में कहा कि मैं प्रेमिका से 3 साल से प्यार करता हूं। मेरी शादी किसी दूसरी लड़की से 23 जून को तय हो गई थी। वह लड़की सिवर की रहने वाली है। 23 जून की शादी को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है। इसकी भनक प्रेमिका को लग गई। उसने फ़ोन कर कहा कि पटना आ जाओ नहीं तो जान दे दूंगी। उसकी धमकी के बाद 3 जून को सुकमा से पटना पहुँचा और होटल में रुक गया। 5 जून को वह हमसे शादी का दबाव बनाने लगी। उसने कहा कि मैं आपकी पत्नी बनूंगी नहीं तो जान दे दूंगी। 5 जून को उसके साथ सिटी कोर्ट गया और वहां दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद फिर दोनों होटल में रुक गए। जवान ने फर्द बयान में कहा कि बुधवार को दोनों होटल में थे। मैं जंघिया पहने हुए था। इसी बीच उसने कहा कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी तय हुई उसे रिश्ते को ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा जान ले लूँगी और अपनी जान दे दूँगी। इतने में वह गई, बैग से चाकू लाया और प्राइवेट पार्ट को काट दिया। चिल्लाते हुए होटल के नीचे आया और होटल कर्मी को इसकी सूचना दी। होटल स्टाफ ने पुलिस को घटना की सूचना दी। धारदार हथियार से मतलब प्रहार किया है। इसको लेके वो भी पीएमसीएच में भर्ती हैं। फर्द बयान पे केस कर लिया गया है और जो लड़की उनके साथ थी उनको भी रिमांड में ले लिया गया है और अभी फॉरवर्ड किया जा रहा है। सर, पूरे मामले की बात कर ली जाए, दोनों शादी भी कर चुके थे क्या पहले? दोनों एज पर पेरेंट्स बोला जा रहा है कि दोनों दो दूर के रिश्ते में लगते हैं, पर दोनों में प्रेम था पहले से लगभग 3 साल से। और लड़का छत्तीसगढ़ में रहता था। छत्तीसगढ़ से लड़की ने लड़के को बुलाया था। दोनों साथ में होटल में रुके थे और लड़की के कहने पर ऐसा ही लोग बता रहे हैं कि गायाघाट में इन लोगों ने व्यवहार न्यायालय में शादी भी करी है। अभी ये जांच का विषय है और किसी बात पर नोकझोंक हुई 7 तारीख को इन लोगों के बीच में, जिसके बाद लड़की ने धारदार हथियार से उसके प्राइवेट पार्ट पर क्या कुछ नाम है सर, सीआरपीएफ के सिपाही का क्या नाम है? कौन सीआरपीएफ जो सिपाही है जिसका प्राइवेट पार्ट काटा गया उसका क्या नाम? सूर्यभूषण। कहाँ भर्ती है सर? पीएमसीएच।